नमस्कार दोस्तों, NAS लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने थेवेनिन थ्योरम्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया था। आई होप वो थेवेनिन थ्योरम्स आपको समझ आ गई होगी। इसी वीडियो में दोस्तों हम थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ये आपको नेटवर्क गिवन है, ए और बी आपका वो टर्मिनल है जहां आपसे थेवेनिन वोल्टेज पूछा गया है और थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा गया है। दोस्तों, इसमें सिर्फ एक डिपेंडेंट सोर्स है, दैट इज 3i वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है। 6 ओम का जो रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 4 ओम्स के साथ पैरेलली कनेक्ट है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स में थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़े और अगर किसी भी नेटवर्क में आपका जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो नहीं है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो VTH होगा वो जीरो होगा। तो इस केस में आपका थेवेनिन वोल्टेज 0 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क में कहीं भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवन नहीं है, राइट? अब दोस्तों, सेकंड हम काम करेंगे कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो जब भी सर्किट्स में डिपेंडेंट सोर्स हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक हम यूज करते हैं। सबसे पहले जिस टर्मिनल्स के अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उस टर्मिनल्स पे दोस्तों आप एक 1 एम्पीयर का करंट सोर्स अज्यूम कर लें। दोस्तों, अब 1 एम्पीयर का करंट सोर्स इस टर्मिनल पे अज्यूम किया और अगर इसी टर्मिनल पे मैं वोल्टेज भी मेजर कर लेता हूँ, तो दैट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1 एम्पीयर करंट, वो इस टर्मिनल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अब क्वेश्चंस कुछ ये ऐसा बना कि ये क्या है दोस्तों, आपकी प्रिंसिपल नोड है और ये आपकी रेफरेंस नोड है। तो यहाँ पे आप नोडल एनालिसिस की हेल्प से वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज होगी, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं V1 पोटेंशियल है और इस V1 पोटेंशियल्स का एक करंट दोस्तों इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दूसरा करंट दोस्तों इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और जो 1 एम्पीयर का करंट है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स का करंट है, तो ये इसके लिए इनकमिंग करंट होगा। तो इक्वेशंस लिख लीजिए, KCL इक्वेशंस, दैट इज V1 -3i/6, यानी दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, तो ये यहाँ का करंट बना, प्लस V1 divided by 4। तो दोस्तों, इस प्रिंसिपल नोड पे दो आउटगोइंग करंट्स होंगे जिनको हमने ऐड किया है और KCL कहता है कि टोटल आउटगोइंग करंट वुड बी इक्वल टू द नेट इनकमिंग करंट इन एनी नोड। जो इनकमिंग करंट क्या है दोस्तों, आपका 1 है। अब ये पहली इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन दोस्तों फर्स्ट इक्वेशंस में एक वेरिएबल होना चाहिए तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे I आया हुआ है और ये I सर्किट्स के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, इस डायरेक्शन में जाने वाला करंट। लेकिन यहाँ पे 1 एम्पीयर का करंट सोर्स हमने अज्यूम किया था, वो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जो I है दोस्तों, I की वैल्यू होगी -1 एम्पीयर, राइट? अब I की वैल्यू आप इसमें पुट करें, दैट इज V1 -3 -I/6 प्लस V1 divided by 4 = 1। तो नेक्स्ट आप इसको फर्दर सोल्व करें दोस्तों, V1 +3/6 + V1/4 = 1। तो यहां से दोस्तों आप V1 फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1.2 वोल्ट। तो दोस्तों, ये V1 इस पोटेंशियल पे भी सेम होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, एक दूसरे के साथ शॉर्ट्स हैं और ये एक ही पॉइंट है, यानी टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है। अब दोस्तों, जो RTH होगा आपका वो क्या होगा, VAB जितना पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई 1 एम्पीयर का करंट सोर्स। तो इसका मतलब दोस्तों ये बना 1.2 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। तो इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम्स दोस्तों डिपेंडेंट सोर्स के साथ अगर आपको गिवन हो, तो VTH और RTH इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये हमेशा ध्यान रहे
कि अगर सर्किट्स में इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं हैं तो उस सर्किट्स का थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हमेशा जीरो होगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी कुछ ऐसी ही है जहाँ पे आपको डिपेंडेंट करंट सोर्स गिवन है। इस प्रॉब्लम में आपको डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिवन था, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। 2ix आपका जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसमें दोस्तों अपवर्ड डायरेक्शन में I(x) करंट फ्लो करता है। तो अब आप बताओ दोस्तों कि इस सर्किट्स का VTH कितना होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ सर्किट डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होगा। अब दोस्तों फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो वैल्यू कैसे निकलेगी। तो उसके लिए दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चंस में भी बताया था, अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी टर्मिनल्स के अक्रॉस RTH निकालना चाहते हैं वहाँ पे आप एज्यूम कर लें 1 एम्पीयर का करंट सोर्स, और इसी टर्मिनल्स पे अब आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स कॉमन हैं, और इस पे किसी भी एक जगह मैं क्या अज्यूम करूँगा, ये प्रिंसिपल नोड है और यहाँ पे मैंने अज्यूम किया मेरा V1 पोटेंशियल, और ये आपकी ग्राउंड नोड है जिसको मैं रेफरेंस नोड बोलता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आप KCL लगा सकते हैं, तो ये जो करंट है ये क्या है, आउटगोइंग करंट है, तो इसका मतलब पहले सारे आउटगोइंग करंट्स लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 2ix, और यहाँ पे जो करंट होगा दोस्तों ये पोटेंशियल आपका मैक्सिमम अज्यूम करना है, तो करंट आपका डाउनवर्ड जाएगा यहाँ से भी, इट वुड बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये है दोस्तों आपका V1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पोटेंशियल होगा V1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तीनों जो ब्रांचेज हैं यहाँ से आपका आउटगोइंग करंट होगा, और जो 1 एम्पीयर का जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अज्यूम किया है ये इस नोड के लिए इनकमिंग करंट होगा, इसका मतलब दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन है लेकिन दो वेरिएबल्स हैं V1 और IX, लेकिन IX क्या है, यहाँ देखिए सर्किट्स के अकॉर्डिंग जो करंट IX है वो 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू बॉटम साइड टू टॉप साइड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो टेक्निकली IX अकॉर्डिंग टू सर्किट क्या होगा, 0 - V1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स -V1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू है। तो दोस्तों इस IX की वैल्यू आप इस इक्वेशंस में पुट कर दें तो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे -V1 क्योंकि 2 इंटू -V1 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा, प्लस V1 डिवाइड बाई 4 प्लस V1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो अब एक सिंगल इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ से आप 4 LCM ले लें, फिर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे, दैट इज -4V1 प्लस V1 प्लस 2V1 इज इक्वल टू 1। फर्दर आप इसको सोल्व करें तो ये बनेगा दोस्तों आपका -V1 इज इक्वल टू 4, राइट। तो जो V1 है दोस्तों वो बना -4 वोल्ट। अब V1 -4 वोल्ट है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था दोस्तों RTH, और RTH की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल डिवाइडेड बाई 1 एम्पीयर करंट सोर्स। तो VAB यानी ये जो V1 पोटेंशियल है ये VAB पोटेंशियल मैं बोल सकता हूँ क्योंकि B पोटेंशियल आपका क्या है, रेफरेंस नोड है जहाँ पे 0 वोल्ट होता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो आपकी VAB वोल्टेज ही होगी, और उसकी वैल्यू है दोस्तों -4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1। तो जो आपका करंट, जो आपका रेजिस्टेंस बना थेवेनिन रेजिस्टेंस वो बना -4 ओम। अब दोस्तों आप सोचोगे कि रेजिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जो आंसर है वो आपका नेगेटिव कैसे आया। तो दोस्तों कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसका रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, जब हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो उसमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम्स में यूनिक क्या है कि यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट सोर्स भी लिया है और डिपेंडेंट सोर्स भी लिया है, और इस सर्किट्स में दोस्तों आपको सबसे पहले VTH फाइंड आउट करना है, उसके बाद RTH फाइंड आउट करना है।
तो VTH फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है कि जिस भी टर्मिनल्स पे आप VTH फाइंड आउट करना चाहते हो उस टर्मिनल्स को आप ओपन सर्किट्स बना दीजिए। तो अगर ये टर्मिनल आपका ओपन सर्किट होगा तो ये जो करंट सर्किट्स में गिवन है यहाँ से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, राइट। और जब दोस्तों ये आई जीरो होगा तो डिपेंडेंट सोर्स भी हमारा आई पे डिपेंड करता है, यानी इसका मतलब जो ये डिपेंडेंट सोर्स है ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये भी आपका जीरो बनेगा और ओपन सर्किट्स की तरह एक्ट करेगा। तो अब इसको आप एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स भी जीरो हो चुका है और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसका मतलब अब सर्किट्स में क्या बचा, अब सर्किट्स में दोस्तों ये 40 वोल्ट विद 10 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये आपका ओपन सर्किट हो चुका है डिपेंडेंट सोर्स, और यहाँ पे जो है दोस्तों ये आपका 6 ओम, लेकिन ये करंट आपका जीरो है। आपको यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो करंट अगर यहाँ जीरो है तो इसका मतलब 6 ओम रेजिस्टेंस पे कोई ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा और वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि VTH की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ से 40 वोल्ट लिख सकते हो, बिकॉज ये जो पॉइंट है VTH डायरेक्टली आपकी 40 वोल्ट अपीयर होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं RTH की। तो RTH कैसे निकालें, RTH का हमारा ये था कि अगर हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज सर्किट्स में हैं तो हम 1 एम्पीयर का करंट सोर्स अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले और RTH के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब भी RTH फाइंड आउट करते हैं जिस भी सर्किट्स में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं हम उन सभी को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेटेड कर देते हैं। तो इसका मतलब हम एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर लें जिसमें ये जो 40 वोल्ट है ये आपका डीएक्टिवेट हो जाए, यानी ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाए। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट से और ये जो है आपका 10 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज, और फिर दोस्तों आपका ये आपका करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू है दोस्तों 0.8 आई, और इसके बाद दोस्तों ये जो है आपका ये 6 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दैट इज हम इसको 1 एम्पीयर करंट अज्यूम करेंगे और इस पोटेंशियल इस टर्मिनल्स पे ए और बी टर्मिनल्स पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये देखो ये इसका प्रिंसिपल नोड हो सकता है क्योंकि ये एलिमेंट भी कनेक्ट है, डिपेंडेंट भी कनेक्ट है और 6 ओम का रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं V1 पोटेंशियल, पहले यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस में क्या होगा। अब यहाँ का मतलब ये है दोस्तों ये पोटेंशियल आपका मैक्सिमम अज्यूम करना है, यानी कुछ करंट आपका यहाँ जाएगा, ये ऑलरेडी डिपेंडेंट सोर्स का करंट आउटगोइंग करंट है और ये इसके लिए क्या बनेगा, इनकमिंग करंट बनेगा। तो इक्वेशन लिख दीजिए V1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.8 आई, ये आउटगोइंग करंट है, इज इक्वल टू नेट इनकमिंग करंट एट दिस नोड। तो इनकमिंग करंट क्या है आपका 1 एम्पीयर। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन था कि ये आई करंट है जो इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि 1 एम्पीयर का करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये क्या है, डाउनवर्ड। तो इनडायरेक्टली जो आई है वो आपका -1 एम्पीयर होगा, राइट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए V1 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.8 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। जब इस इक्वेशंस को मैं सोल्व करूंगा तो जो V1 का पोटेंशियल होगा यहाँ पे दोस्तों वो क्या बनेगा हमारा 18 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस नोड पे हमारा जो पोटेंशियल है वो 18 वोल्ट है, राइट। और 1 एम्पियर का करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, तो अब एक स्पेशल केस बन गया दोस्तों, ये जो पोटेंशियल है ये मान लीजिए 18 वोल्ट है, राइट। और ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे है और ये टर्मिनल ए है, राइट। हमें इस टर्मिनल ए पे पोटेंशियल चाहिए और हमें पता है कि ये करंट आपका यहाँ पे 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही करंट पैसिव एलिमेंट्स में एंट्री लेगा यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी देगा और यहाँ पे नेगेटिव, 1 इंटू 6 कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे
जो वी ए है वो कितना बनेगा, प्लस सिक्स, यहाँ पे 18 वोल्ट का है, दैट इज प्लस 18, राइट। तो जो वी ए पोटेंशियल है वो बन गया 24 वोल्ट, और जो वी बी पोटेंशियल है वो हमारा ग्राउंड था दोस्तों, और ग्राउंड क्या होता है हमारा, 0 वोल्ट होता है। तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं वी ए बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी। तो इसका मतलब कितना बना दोस्तों, ये 24 वोल्ट का पोटेंशियल है इस टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो यहाँ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताया था वो कितना होगा, वी ए बी डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर करंट सोर्स, दैट वुड बी इक्वल टू 24 ओम। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें आपका 24 ओम्स थेवनिन रेजिस्टेंस है और 40 वोल्ट्स आपका थेवनिन वोल्टेज है। तो दोस्तों इसमें एक बार ब्रीफ आपको बता दें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था उसमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था तब सोल्व किया था, सेकेंड क्वेश्चन में डिपेंडेंट करंट सोर्स लिया था तब हमने सोल्व किया था, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने दोनों लिए हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी लिया है और डिपेंडेंट करंट सोर्स भी लिया है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड योर कमेंट्स। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।